मेरठ में बारिश के कारण मकान गिर गया और मलबे में कई लोग दब गए। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। थाना लिसाड़ी के क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी की घटना है। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है। बचाव के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं और बारिश के चलते ये मकान गिर गया था और 3 मंजिला मकान था और मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। 3 लोगों को मलबे से बहार निकाल लिया गया है, हालांकि 8 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां मकान गिरा था 3 मंजिला ये मकान, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है मलबे के नीचे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और घायलों को खोजा जा रहा है, मलबे के नीचे ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि 8 लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जो मेरठ से सामने आई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया और साथ ही कहा कि बचाव काम में तेजी लाई जाए और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। तो बारिश यूपी के कई जिलों में हो रही है और बारिश के चलते माना जा रहा है कि ये मकान क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरठ से निखिल अग्रवाल जुड़ गए हैं। निखिल, क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और साथ ही मकान कैसे गिरा, क्या पहले से क्षतिग्रस्त था? देखिए, मकान काफी जर्जर स्थिति में था और 3 मंजिला बना था। अभी वहां पे छोटी जेसीबी मशीन मंगा ली गई है, जिसमें से पूरे मलबे के ढेर में से 3 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और जेसीबी मशीन से अब मकान का बाकी हिस्सा तोड़ने की कोशिश जारी है ताकि रास्ता बन सके। बहुत ही डेंस गली है जिसमें गाड़ी भी नहीं जा सकती है, ऐसी गली में मकान गिरा है और बहुत ज्यादा भीड़ है और हादसे के चक्कर में यहाँ पर बिजली भी गुल है। तो तमाम चीजें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बने हुए हैं, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पे तलब किया गया है ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जाएगा। अभी माना जा रहा है कि अंदर 7 से 8 लोग फंसे होने की आशंका है जो घर में मौजूद थे उस समय। जो इलाके के लोग बता रहे हैं कि भारी बारिश के चलते लगातार बारिश गिर रही थी, छत टपक रही थी और छत टपकने के बाद अचानक पूरा का पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा। ये मकान आधे हिस्से में कच्चा बना हुआ है और इसमें कुछ डेयरी पालन का भी काम चल रहा था, तो ऐसे में इस मकान पर प्लास्टर भी नहीं है। तो माना जा रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में मकान नहीं था और कुछ कमिश्नर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही है और डीएम एसएसपी तमाम अधिकारी मौके पर है और जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। करीब 12 फीट की गली है जिसमें पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक छोटी जेसीबी मशीन के चलते, क्योंकि बड़ी कार भी यहाँ नहीं आ सकती, तो एक छोटी जेसीबी मशीन मंगाई गई है ताकि इसको अंदर घुसाकर मलबे को तेजी से हटाया जा सके और ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला जा सके। जी निखिल, जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त इस मकान के अंदर कितने लोग मौजूद थे? 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और कितने लोग हैं, क्या बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिनका आशंका जताई जा रही है कि मलबे में दबे हो सकते हैं? बिल्कुल, जो बच्चे, महिलाएं और कुछ पुरुष यहाँ मौके मौजूद थे, यानी 2 परिवार इस मकान में, 3 मंजिला मकान में रहते थे, वो पूरे के पूरे लोग घर में मौजूद थे। इसके अलावा कुछ 1-2 लोग जो बाहर से आए थे, मिलने आए थे, वो लोग भी अंदर मौजूद थे। तो मकान गिरने से सभी लोग मलबे के ढेर में दब गए, 3 लोग, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ ये लोग चिपक के कुछ बाहर आ गए थे तो उन लोगों को बाहर खींच कर निकाल लिया गया और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तमाम वो चीजें यहाँ पे बुला ली गई है, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है और तमाम वो चीजें तलब की गई है मौके पर। लेकिन चूंकि गली छोटी है इसलिए अंदर आने में भारी परेशानी हो रही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो मैनुअली चलाया जा रहा है क्योंकि गली बहुत छोटी है, तो वहां कोई रास्ता इस तरह का नहीं बन पा रहा है कि जिससे ये ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ है, उसको मौके पर तलब किया गया है ताकि ये टेक्निकल तरीके से और
ठीक ढंग से ऑपरेशन चलाया जा सके, जिससे बहुत जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाले। ऊपर से भारी बारिश हो रही है तो ये बड़ी बाधा बनी हुई है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा निखिल, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।